दोस्तों मैं अमित, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर ये बहस चलती रही है कि ये आत्महत्या या हत्या। सुशांत का परिवार इसे मर्डर बता रहा है, लेकिन शुरुआती जांच में मुंबई पुलिस ने इसे सुसाइड माना था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह फांसी के कारण दम घुटना बताया गया था। अब एम्स की रिपोर्ट भी आ गई है, इसमें कहा गया है कि सुशांत के शरीर में किसी तरह का जहर नहीं मिला है। सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट में साफ हो गया है कि सुशांत को जहर नहीं दिया गया था। ये रिपोर्ट विसरा जांच के आधार पर तैयार की गई है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के दौरान शरीर से विसरा यानी किडनी, लीवर, दिल, पेट के अंगों के सैंपल लेकर रख लिए जाते हैं। इनकी केमिकल जांच करके देखा जाता है कि मौत की वजह क्या थी। सीबीआई की ओर से हालांकि सोमवार को कहा गया था कि वह अब तक मिले सभी सबूतों को देखने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। सीबीआई ने कहा था कि हम इस पूरे मामले की प्रोफेशनल तरीके से जांच कर रहे हैं, किसी भी पहलू को अभी खारिज नहीं किया गया है। दोस्तों, सुशांत का शव 14 जून को अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में पंखे से लटका मिला था। मुंबई के कपूर अस्पताल के डॉक्टरों ने उनका पोस्टमार्टम किया था। रिपोर्ट में सांस रुकने से मौत की बात कही गई थी। इस पर सुशांत के परिवार वालों ने सवाल उठाए तो एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में 5 डॉक्टरों की टीम बनाई गई। कमेटी ने विसरा जांच करके सोमवार को अपनी रिपोर्ट सीबीआई के साथ शेयर की। सूत्रों के मुताबिक सुशांत की विसरा में डॉक्टरों को किसी तरह का जहर नहीं मिला है। आज तक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एम्स के डॉक्टरों ने सुशांत की विसरा के 20% हिस्से की जांच के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की। ऐसा इसलिए है कि मुंबई पुलिस ने सुशांत के 80% विसरा को अपनी जांच में इस्तेमाल कर लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि एम्स की रिपोर्ट में मुंबई के कपूर हॉस्पिटल के डॉक्टर को क्लीन चिट देने की बात नहीं है। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले इस अस्पताल के डॉक्टरों की रिपोर्ट पर कई सवाल उठे थे। रिपोर्ट में सुशांत के गले पर दिख रहे निशान का जिक्र नहीं था। मौत की टाइमिंग के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया था। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने कुछ समय पहले दावा किया था कि एम्स की टीम के डॉक्टरों ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मैंने जो फोटो उन्हें भेजी थी वो 200% बताती है कि ये आत्महत्या नहीं है, गला घोटने से मौत हुई है। हालांकि डॉक्टर सुधीर ने विकास सिंह के इन दावों को गलत बताया था। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा था कि हम सिर्फ किसी एक निशान और क्राइम सीन के आधार पर हत्या या आत्महत्या के नतीजे पर नहीं पहुंचते। जांच अभी जारी है। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें।